हाँ जी आज आवाज आ रही है अभी एक दो मिनट और देख लेते हैं स्टूडेंट्स आ जाएं ठीक है फिर शुरू करते हैं हाँ बुक बुक ओपन कर लें बुक का पेज नंबर आप ओपन करेंगे नाइंटी फोर एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर में लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने करना था ठीक है ये देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे लास्ट तो so ये ओपन कर लें पेज नाइन्टी फोर चलें तो देखते हैं आप बोर्ड की तरफ चलते हैं ठीक है तो यहां आपको आप में से कोई एक स्टूडेंट जो है ओपन कर लें इसको माइक ओपन कर लें नहीं नहीं नहीं। आ रहा। हाँ मैं दो मिनट देखते हैं असल में हुआ ये है कि लेंस के आगे जो ग्लास लगा होता है ना शीशा उसे मैंने कपड़े से रब करके साफ करने की कोशिश की तो उस पर मेरा ख्याल है वो लाइनें वगैरह जो होती है ना ठीक है वो ज्यादा आ गई तो इसकी वजह से ब्लर पैदा हो जाता है अभी आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ना जब तो फिर आप बताएंगे कि आपको चलो समझ आने के काबिल नजर आना चाहिए तो अभी देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है क्या है ये कौन आप में से लिखवाएगा ऑन बताना शुरू करें जरा बोलें क्या क्वेश्चन है डिटरमिन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने जबकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया है अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री प्लस वन ठीक है एंड उसके बाद है होल प्लस नजर नहीं रहा। आ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा हाँ नो सर अब इतना के समझ आ रहा no, है नो सर धुंधला धुंधला है बहुत हाँ धुंधला है आज फिर आगे जो एक्सरसाइज है ना आपकी चले ये मैं नेक्स्ट टाइम लेंस ठीक करवा के ना फिर करूंगा आज हम कर लेते हैं फोर ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना इसकी फोर उसका क्वेश्चन नंबर वन एंड टू वो आपका है जिसको कहते हैं ना एम वाले ठीक है वो जुबानी, जुबानी जुबानी हो जाएंगे तो सामने रखें जरा रिव्यू एक्सरसाइज देखें रिव्यू एक्सरसाइज है फोर सबसे पहले देखें इसमें क्या दिया हुआ है पेज पेज सामने रखेंगे ताकि मैं आपसे पूछूंगा और आपने फिर बताना है कोशिश करनी है बताना है आपने अगर नहीं बता सकेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा ओके तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर वन में एम सी क्यू चूज द करेक्ट आंसर ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट पार्ट क्या है फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इज एन एलजेब्रिक आगे उसने फोर हाँ एक्सप्रेशन सेंटेंस भी कहते हैं इसे लेकिन ज्यादा जो एक्सेप्टेबल टर्म है वो एक्सप्रेशन है इक्वेशन उस वक्त कहेंगे अगर इसमें इक्वल टू का सिंबल कहीं पे होता मसलन अगर ये यू लिखा होता ना फोर एक्स प्लस फिर ये क्या होता फिर इक्वेशन हो जाती अच्छा उसके बाद इन इक्वेशन कब होती है? अगर ये लिखा होता बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का कोई सिंपल यूज होता मसलन यू लिखा होता फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज ग्रेटर देन टू या फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज लेस देन और इक्वल टू टू पर यानी लॉजिकल ऑपरेशन सिंबल यूज हो रहे हो ठीक है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं फिर इसको कहते हैं इन ठीक है तो अगर इक्वल टू यूज हो रहा हो तो फिर इसको कहते हैं इक्वेशन और अगर कोई ना इक्वल टू का सिंबल है ना लेस देन या ग्रेटर देन का तो फिर ये क्या है ये अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है ठीक है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नंबर्स और वेरिएबल्स हम यूज करते हैं से एक्सप्रेशन कहेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर टू डिग्री ऑफ पोलिनोम फोर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्र इंटू वाई इज तो वन टू थ्री फोर चार डिग्री सर फोर अच्छा दो बातें हैं इसमें देखें सबसे बड़ी पावर जो होती है ना वो आपने देखनी होती है लेकिन इसके साथ एक और चीज अगर फर्ज करें इसी ल में यू लिखा होता फोर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क् इंटू वाई क्यूब फिर इसकी डिग्री क्या होती आप बता सकते हैं फिर सुन लें अगर ये यू लिखा होता फोर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क् वाई क्यूब फिर इसकी डिग्री क्या होनी थी फिर आप यूं करते हैं जो दो वेरिएबल इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उनकी डिग्रीज को क्या करते हैं प्लस करके सम करके देखते हैं तो टू एक्स की डिग्री अगर टू होती वाई की डिग्री थ्री होती तो ये कितना बन जाता फाइव और एक्स की डिग्री अकेले क्या थी फोर तो हम इसकी बड़ी डिग्री बताते होते हैं तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फोर एक्स पावर फोर प्लस टू एक्सर वाई क्यूब इज फाइव फिर क्या होनी थी फाइव होनी थी ठीक है तो इसमें ये ख्याल रखना होता है उसके बाद थर्ड पार्ट देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बी ऑप्शन है ठीक है गुड उसके बाद देखें पार्ट फोर है पार्ट फोर जरा बताए क्या होगा हम्म पार्ट होगा लेकिन इसे जल्दी से रफ में आपने सॉल्व करके solve. तो फिर बताना होता है है ठीक रफ नोटबुक पे अभी मैं आपको जब टाइम दूंगा ना मैं कहूंगा कि चलें जी रफ पे इसका पार्ट थ्री सॉल्व करके मुझे बताएं या पार्ट फोर सॉल्व करके बताएं ठीक है oh. जो सॉल्व करने वाले हैं वो मैं आपसे कॉपी पे सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद कैमरा आप अपना अनम्यूट करके मुझे चेक करवाएंगे कि ये मैंने किया है ठीक है ये आहिस्ता आहिस्ता मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ ताकि आप क्या आप आ... सीखें पूरी तरह से ठीक है ना रिस्पॉन्स देना सीखें आपको पता चलेगा कि इस तरह मैं वैसे बाकी क्लासेस में मैं ये रखता हूँ कि फ्राइडे को ओरल टेस्ट प्लस कैम के साथ टेस्ट ये आपकी चीजें होती हैं ठीक है फ्राइडेज को इसका मकसद ये है कि एक तो टेस्ट का तरीका पता चल जाता है आपको और दूसरी बात क्या पता चल जाती है आपको पता चल जाता है थोड़ा कि यार इसको मैं यूज़ कैसे करूँ ठीक है ना ऑनलाइन ज़ूम को यूज कैसे करना है ओके तो अब देखें इसका पार्ट नंबर फाइव देखें कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड ए प्लस बी इज क्या कॉन्जुगेट होगा सर फोर से दोबारा करा दें सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी हाँ फोर में देखें फोर में थ्री प्लस अंडर रूट टू विद इन ब्रैकेट इनटू टू थ्री माइनस अंडर रूट टू विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू तो इसे आपने सॉल्व करना है तो जाहिर है कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा ए स्क्वेयर माइनस बी यानी थ्री माइनस अंडर रूट टू स्क्वेयर हो गया नाइन तो माइनस अंडर रूट टू का टू आ गया नाइन माइनस क्या आंसर बना ठीक सेवन. सेवन. है ना माइनस सेवन नहीं बना प्लस सेवन बन गया ओके अच्छा बाद देखिए कट है मेरा है इसकी जाती ख्याल सिग्नल वीक होते हैं ना जहाँ और या अगर और किसी को आवाज अगर फुल आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ होगी ठीक है आज मैंने बंदे असाइन नहीं किए कुछ स्टूडेंट असाइन कर देते हैं ना ताकि वो बता सके कि हाँ जी जब कोई कंप्लेन करता है कि जी आवाज नहीं आ रही तो फिर अगर वो दूसरा जिसको मैंने मॉनिटर बनाया हुआ है वो मॉनिटर करके बता रहा होता है कि आवाज़ आ रही है या नहीं तो आपने मुझे बताना है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही तो या एक मैं इसका दूसरा तरीका करता हूँ वो तो ये करता हूँ कि जहाँ डिवाइस लगी है ना उसके करीब ले जाता हूँ इसको जस्ट अ मिनट जुबानी जुबानी काम है तो चलो अब जरा मैं डिवाइस के करीब आ गया अच्छा आवाज अभी आ रही है ठीक यस सर अब ठीक आ रही है चलो ठीक है, है। All right. अच्छा तो अब देखें next देखते हैं इसका नेक्स्ट दिया हुआ है देखें पार्ट नंबर हाँ सर्ड की कॉन्जुगेट बताना है सर्ड का हाँ जी कॉन्जुगेट बताएं ये देखें नजर आ रहा तो है आपको। पार्ट। हाँ। दिरुण। बिल्कुल दिरुण। बुक्स ओपन रखें बी पार्ट ये हो गया उसके बाद सिक्स ये जरा सॉल्व करके जल्दी से रफ नोटबुक पे सॉल्व कर लें आप मैं कैमरे कैमरे आपके अनम्यूट करवा के तो चेक भी करूँगा ये जो पार्ट नंबर सिक्स है इसका एलसीएम लेके जल्दी से सॉल्व करके बताएं कौन सा इसका आंसर होगा ये बिल्कुल जुबानी नहीं बताना ये मैं आपके कैम अनम्यूट करके तो चेक करता हूँ अभी जल्दी से रफ पे करें और जैसे मैं ये बुक दिखा हूं ना आपको ऐसे इस तरह से आपने मुझे दिखाना होगा हाँ जी जो कर ले बेशक रेज योर हैंड ठीक है अपना हाथ ऊपर कर लें और बाज बच्चे तो कंप्यूटर यूज करने में तेज है ना मास्टर अहमद हसन से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब कुछ अच्छी तरह समझता है जानता है कि कैसे मैंने यूज करना है इसी तरह बाकी बाज बच्चे भी जानते हैं तो फौरन कैमरा अनम्यूट करें ठीक है और ऊपर कर के जरा मुझे लेट मी सी के क्या किया हाँ ठहरे जैस मिनट मैं आपको ये ग्रिड व्यू कर लेता हूँ ग्रिड व्यू करने से गैलरी व्यू सॉरी गैलरी व्यू लिखा हुआ है अब गैलरी व्यू में आ गया हाँ जी अहमद हसन ऊपर करें अपनी नोटबुक ऊपर करें ताकि मुझे नजर आए जहां लिखा हुआ है आपने जैसे मैं बुक ऊपर करता हूँ मेरी आवाज आ रही है सर हाँ आवाज आ रही है अहमद सर बुक नहीं है सर बुक नहीं है कॉपी तो होगी ना ये सर कॉपी है तो कॉपी पे ये जल्दी से सॉल्व करो ये मैं दिखा रहा हूँ ये देखो ये ये वाला

तो कॉपी ऊपर करें और ये वीडियो भी आएगी और आपको मैं ये वीडियो सेंड भी करूंगा इसकी वीडियो बना के ना सेंड करूंगा आपको पता चल जाएगा कि जिस जिसने अपना कैमरा ऑन किया वो नजर आ रहा था और जो जो नजर नहीं आएगा उनके घर में कॉल करके भी बताऊंगा कि ये देखें जी काम नहीं किया इन्होंने कम ऑन बी क्विक सब जल्दी से सॉल्व इट कैम अनम्यूट एंड देन लेट मी सी ठीक है अपनी नोटबुक्स कॉपी वगैरह ऊपर जैसे मैंने ये बुक ऊपर की है ये वाला क्वेश्चन आपने करके मुझे दिखाना है ठीक है ये देखें इस तरह आपको तरीका समझ आ जाएगा कि मैं कैमरे को यूज कैसे करूं यार हाँ अहमद हसन ने तो ऑन किया है हाँ नजर आया थोड़ा और करीब करो अहमद हसन हाँ टू ए बायर माइनस बी स्कुड ठीक है अहमद हसन का ओके हो गया बाकी और कोई हाँ जी बाकी भी करें कैम ऑन करें इसके बाद में जब नेक्स्ट फ्राइडे को टेस्ट लिया करूंगा तो आपने हाँ ईसा ईशा का कैम ऑन है हाँ ईशा गुड ठीक है ऑल राइट ठीक किया बेटे अच्छा जो कर चुके हैं ना वो इसका ये वाला पार्ट करें अभी ये पार्ट करेंगे जनाब जस्ट मिनट ये पार्ट फोर पार्ट फोर इसका बेशक स्क्रीन शॉट ले लो अहमद पार्ट फोर ये देखो पार्ट फोर दियान शॉट ले लो ले लिया स्क्रीन शॉट ले लो और ये पार्ट फोर मुझे करके बताओ कबीर आठ गुड अली बट ऑल राइट right, गुड अली बट ओके हो गया अच्छा और कौन रह गए समर नजर बेटे समर आप भी आ जाओ मैदान में आ जाओ अहमद बिलाल हम्म अहमद बिलाल तलहा सर एक मिनट करके सर मैं दिखाता थी थी। हाँ दिखाएं दिखाएं समर बेटे अभी तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ये कॉपी पे करें और मुझे चेक करवाएं ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी ट्रेनिंग करूं कि इसके बाद आपका टेस्ट कैसे होगा आप वहां बैठ के जब लिख रहे होंगे कैम ऑन होंगे ठीक है माइक भी ऑन होंगे और उसके बाद आप लिखेंगे और मैं देखूंगा मेरे सामने कोई एक, एक एग्जाम्पल के लिए अभी कोई क्वेश्चन इस तरह मैं सॉल्व भी करवाऊंगा और देखूंगा कि आप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे दानियाल आलम बेटे इधर बैठ के फिल्म देखने नहीं आए यहां पे ठीक है आपने मूवमेंट शो करनी है अदरवाइज तो मुझे पता चल जाएगा कि वैसे ऑन किया जनाब और साइड पे पता चले कहीं और बैठे हैं हाँ ईसा गुड वेरी गुड ईसा ने सेकंड पार्ट भी कर लिया तलहा खान ठीक है तलहा खान आप साथ ही कॉपी ऊपर करके चेक करवाओ जरा मुझे तलहा क्या लिखा हुआ है हाँ जल्दी करें बेटे बाकी कबीर अहमद अब्दुल राफे अहमद बिलाल सर मैंने क्वेश्चन नंबर एट भी कर लिया रिव्यू का ठीक है दिखाओ मुझे कॉपी दिखाओगे तो तब बात बनेगी बेटे समर नजर जैद अशरफ अभी लेट आए हैं बेटे हाँ ठीक तो है अब्दुल राफे अब्दुल राफे डन अली बट गुड ठीक है नीचे कर लो अब्दुल हाँ तला खान ठीक है आप बेटे जब जब जिसका नाम मैं लेके कह ओके वो बेशक नीचे कर ले अब्दुल अब्दुलराफे ऊपर करो करीब करो जरा हाँ ये दिखाना भी तो एक आर्ट होता है ना मतलब आपको पता चलेगा कैसे दिखाना है ठीक है और साइड से अपनी आंख से देखो खुद देखो भी ताकि मुझे पता चले नहीं नहीं ऐसे नहीं अपनी आंख ना छुपाओ अपनी आंख भी आपकी साइड से देख रही हो और उंगली ऊपर रखो ताकि आपको पता हो मैंने सही जगह उंगली रखी है कि नहीं हाँ गुड इस तरह सीखोगे भी ना कि भाई मैं बताऊंगा कैसे कि ये है जनाब ठीक है ओके तला ठीक है गुड अब्दुल राफे ठीक है बेशा कैम ऑन रखें आप कोई बात नहीं ये वीडियो भी बनेगी पता भी चलेगा कबीर दिखाओ ठीक वेरी गुड तो आपको तरीका पता चलेगा कि यार मैं कैम को किस पोजीशन पे रखूं कैसे रखूं कैसे बताऊं चेक कैसे करूंगा एम अली हम्म अहमद बिलाल आपका बेटे सिर्फ पंखा नजर आ रहा है अभी आप अपनी कॉपी भी दिखाए ना कॉपी यस थोड़ा सीधी करो कॉपी नहीं थोड़ा और घुमा कॉपी को घुमा लो ना कैमरे को जरूरी नहीं है कि घुमाओ कॉपी को घुमा लो किस तरफ घुमाओगे हाँ ये अब सही है गुड ठीक वेल डन अहमद बिलाल वेल डन ये अब ईसा गुड ईसा एक्सपर्ट बच्चे यही तो कहते हैं नई नस्लें तेज आ रही हैं और बाज बच्चे जो नहीं कर रहे ना बेटे तो मैं नोट कर रहा हूँ इसका मतलब है कि वो कैसे बैठे हैं उनके कैम तो हैं लगे हुए नजर आ रहे हैं सर हाँ जी सर जी कबीर सर जी क्या करना है ऑल राइट हाँ आपने ये करना है कि इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर वन रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर सॉल्व करके दिखाना है पार्ट नंबर सिक्स सॉल्व करके दिखाना है और पार्ट नंबर एट सॉल्व करके दिखाना है पार्ट नंबर एट भी सॉल्व करके दिखाएंगे ठीक है और फिल इन द ब्लैंक वाले जो सॉल्व करने वाले हैं वो भी सॉल्व करके रखें आप क्योंकि मैं अभी चेक करूंगा क्यों ये पुराना काम है जो आप सीख चुके हैं तो अभी देखे जरा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू एक्सर माइनस फोर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोम एक्स थ्री एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वो डिग्री होती है लिखे उसे और बताए फलाहान तो आप भी क्वेश्चन टू की तरफ आए आप एम तलहा खान बेटे बैठना नहीं भी है क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट शुरू कर दें कौन सा पार्ट करेंगे पार्ट नंबर टू करेंगे पार्ट नंबर थ्री करेंगे ठीक है और पार्ट नंबर पार्ट नंबर फाइव ये करने वाले हैं साहब ठीक है क्वेश्चन नंबर टू फुल करें फुल करें और मैं चेक कर रहा हूँ अभी क्या कर रहे हैं कबीर कैमरा ऑन करें इसका कैमरा ऑन करके करें मेरे सामने जैसे ये अब्दुल राफे कर रहे हैं तलाह कर रहे हैं, कैम ऑन हो और मेरे सामने करें ताकि मुझे नजर आए कि काम सही हो रहा है ईसा यस एक साथ करें हाँ सब एक, एक साथ करें बिल्कुल बेटे सब एक साथ करें क्योंकि मुझे ग्रिड में नजर आ रहा है ना मुझे गैलरी व्यू में सब का काम नजर आ रहा है ठीक है सब एक साथ करेंगे अहमद अहमद हसन आप भी कैम बेटे अनम्यूट कर लें कैम ऑन करें एम अली बट कैम ऑन कर लें ठीक है एमली बर्ड जी अहमद बिलाल हो गया कैम अच्छा कबीर कबीर हो गया तलहा खान ठीक है सम समर नजर समर बेटे अभी तक कैम आपने अनम्यूट नहीं किया कैम को अनम्यूट करें अगर फैमिली पास है तो आप दीवार की तरफ कर लेना कैम को दीवार की तरफ कर लें अपने आप को दीवार की तरफ कर लें कैम को कॉपी की तरफ करें बाकी देखें ना बाकियों के नजर आ रहे हैं अगर बाकी नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें राइट साइड पे ऊपर व्यू का बटन है व्यू को क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा गैलरी में सब नजर आ रहे हैं ठीक है चले जी ये क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से करें और हर फ्राइडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा इस तरह से रिटर्न टेस्ट हुआ करेगा ठीक है अभी मैं पीछे जाऊंगा पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपसे करवाता हूँ ये आपकी एक तरह से ट्रेनिंग भी है कि भाई आप काम कैसे करेंगे ओके जो जो कर चुके हैं अपनी कॉपी ऊपर करके अब्दुल राफे कर चुके हैं कॉपी ऊपर करके लास्ट है लास्ट है गुड तो आप पीछे होके बैठ गए तो मैंने कहा शायद आप कर चुके हैं कबीर आप क्या कर रहे हैं बेटे आपका कुछ नजर नहीं आ रहा हाँ करो शाबाश गुड ठीक हाँ, ठीक है थीक है वेल गुड स्टांस आपका कैमरे के सामने होना चाहिए मुझे पता चलना चाहिए लिख रहे हैं हाँ जी जैन अब्बास अभी आए हैं आप हाँ ठीक है हाँ गुड अब्दुल राफे वेरी गुड वेल डन वेल डन वेल डन, डन, डन गुड जैन आपका माइक नहीं लगा हुआ माइक को देखो माइक जैन अबास माइक को चेक करें रोल नंबर फिफ्टीन फाइव एट सिक्स हाँ आप ठीक हो गया अब आपने भी ये करना है हम अभी कर रहे हैं आ, इसकी जो एक्सरसाइज है कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम कर रहे हैं जो? जनाब रिव्यू एक्सरसाइज फोर का ठीक है पार्ट वन टू थ्री फोर ये कर रहे हैं ठीक है और ये आप कैसे कर रहे हैं ये आपने कॉपी पे करने हैं कॉपी पे शुरू कर दें और मुझे आप चेक करवाएंगे ऑल राइट right. कॉपी पे करें अभी इनको कॉपी पे लिखेंगे आप और अभी मैं okay, देखूंगा कॉपी पे लिखेंगे आप ठीक है और मैं चेक करूंगा सर सर क्या चीज़ आपने जायद अशरफ ये करना है रिव्यू एक्सरसाइज फोर खोल के सामने रख लें पेज 94 पे यस हर फ्राइडे को मैं इस तरह रिटर्न आपका रिटर्न एंड ओरल टेस्ट लिया करूंगा ओके तो अभी आप इसके तो ये पार्ट्स हाँ लिख के करें रिटर्न होना चाहिए काम Zainab aas आप भी शुरू कर दें सर uh, कौन से पार्ट्स क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन के पार्ट्स एंड क्वेश्चन टू के पार्ट्स ठीक है सारे करने जी सारे करने हैं मेरे सामने लिख के करने हैं ताकि आप सीखेंगे अहमद बिलाल सईद आपके बेटे लाइट तो नहीं तो है अब लाइट हाँ फिल इन द ब्लैंक्स सा। है बिल्कुल उसको साइड पे रफ में आप तो फिल इन द ब्लैंक्स में बास को सॉल्व करना है मतलब देखो कौन से तो इसका पार्ट नंबर फोर है क्वेश्चन वन का पार्ट नंबर फोर क्वेश्चन वन का पार्ट नंबर सिक्स ठीक है इजी इजी है आप कर लो रफ पे करें इसे सॉल्व करें फिर मैं उसके बाद चेक करता हूं और हर फ्राइडे को आपका इस तरह से टेस्ट हुआ करेगा ठीक है जायेद अशरफ ऑल राइट गुड अब जरा ये सब द ब्लैंक्स है ना तो आप पीछे आ जाए पीछे वाली एक्सरसाइज फोर पॉइंट कौन सी कर रहे थे फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट फोर पे आ जाए सब स्टूडेंट जो हैं 4.4 पे आए ठीक है क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू कंप्लीट कर लिया 4.4 पे आए इसका आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे अभी मैं आपको ये मार्क कर देता हूं आप करेंगे जनाब क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट एंड सिक्स पार्ट साथ साथ नोट कर लें अभी कौन से आप करेंगे और मुझे चेक करवाएंगे अभी सब आप सब बच्चे स्टॉप राइटिंग अदर थिंग्स ठीक है अभी आप लिखें क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट सिक्स पार्ट उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन थ्री पे आ जाएं क्वेश्चन थ्री का आपने करना है सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन थ्री का सेकंड पार्ट उसके बाद क्वेश्चन फोर पे आ जाएंगे और क्वेश्चन फोर का सेकेंड पार्ट करना है क्वेश्चन फोर का सेकेंड पार्ट ठीक है उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन फाइव पे आ जाएंगे क्वेश्चन फाइव का आपने करना है सेकेंड पार्ट का हाँ सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बल्कि बस तो ये फाइव तक टू थ्री फोर फाइव अब मैं ये दिखाने लगाऊं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि निशान लगे हैं तो आपको पता चल जाए ठीक है नजर आ रहे हाँ देखें जरा सर कुछ सर कुछ फाइव पूरा करना जी ये क्वेश्चन नहीं part. नहीं फाइव पूरा नहीं करना क्वेश्चन फाइव का सिर्फ सेकंड पार्ट करना है सेकंड पार्ट में सर उसका, में उसका तो फर्दर सेकंड हाँ, पार्ट का सेकंड पार्ट करें क्वेश्चन फाइव में सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट करें ठीक है ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने के जो आपने करने स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और वैसे अपनी बुक पे मार्क कर लें अभी शुरू करें हाँ, बोलें क्या? करने हाँ ये कॉपी पे करनी है और साथ अभी साथ मैं साथ साथ देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं आप, आप मंडे को चेक करेंगे या अभी करेंगे नहीं नहीं अभी, अभी चेक करूंगा बेटे ये अब संडे मंडे तो नहीं ये तो पुराना काम है ये तो आपने प्रिपेयर करना था जो भी काम करवा दिया जाएगा ना एवरी फ्राइडे ये जेन में रखें मैं इस तरह औरल टेस्ट लूँगा और उसमें आपने क्या करना होगा कैम वगैरह अनम्यूट करके बाकी तलहा ख़ान हो गया जायद अशरफ जायद अशरफ कैमरा आप अपना अनम्यूट करें जैन अब्बास कैमरा अनम्यूट कर लें अहमद बिलाल कैमरा अनम्यूट एमली बट कैमरा अनम्यूट कर लें अनम्यूट करें बेटे इधर मुझे सब गैलरी व्यू में इकट्ठे नजर आ रहे हैं हम्म गुड ठीक है जैन बेशक कौन रखें कैमरा कोई बात नहीं उससे मुझे पता चलता है कि हाँ काम कर रहे हैं मेरे सामने कर रहे हैं जैद अशरफ कैमरा बेटे अनम्यूट हाँ गुड एम अली आप रह गए पहले तो आपने अच्छा खासा अनम्यूट करके काम भी दिखाया चेक करवाया अभी शुरू कर दें सामने टाइम कम रह गया है ये आप ये समझे आपकी रिहर्सल हो रही है इस फ्राइडे को आपको पता चल जाएगा कि आपने हर फ्राइडे को काम कैसे करना है ठीक है पूरे वीक का जो हमने पढ़ा होगा इस तरह मैं चेक किया करूंगा आप लिख के मुझे मेरे सामने करके बताया करेंगे दिखाएंगे इस तरह से हाँ गुड ठीक है हुँ. जैद अशरफ आपका कैम जो है वो कैम ओपन कर लें अनम्यूट यस गुड सर खुला हुआ है कैमरा हाँ ठीक है हाँ आप खुल गया है ऑल राइट नजर आ रहे है वर्क इन प्रोग्रेस ओके करते जाए कोई बात नहीं आप बेशक इधर उधर से देख के लिख लें इस दफा लेकिन कोई बात नहीं नेक्स्ट फ्राइडे आपको पता होगा कि मैंने इस तरह से काम करना है ठीक है मैं तो देखूंगा अभी लिखते नजर आए आप ठीक है लिखते नजर आए हर चीज सीखने का एक तरीका होता है ठीक है तल्हा बेटे बंद नहीं करना है कैम कापी के सामने लिखते नजर आए अगर सर खुला हुआ है सर हाँ ये का बंद हो जाता है ना तलहा खान कौन है अच्छा तलहा खान का नहीं ओन हाँ अब ठीक है ऑल राइट right. ये आपको मैं वीडियो भेजूंगा बेटे आपको उसमें नजर आ जाएगा जो बच्चों का बंद होता है ना कैम बंद होता है फिर खुलता है बंद होता है फिर खुलता है तो बंद होने के दौरान हो सकता है इधर उधर से देखने की तो मैंने तो आपको इजाजत दे दी है कि आप बेशक देख सकते हैं मेरे सामने देख सकते हो लेकिन क्या है आपको तरीका सिखा रहा हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे को आप आप इधर उधर से चीटिंग चीटिंग नहीं कर कर सकोगे अभी बेशक आप चीटिंग कर सकते हो कोई बात नहीं आप सीख रहे हो कि मैंने देख के लिखना कैसे मेरे सारे पार्ट्स हुए हाँ नहीं हुए नहीं अभी करने हैं मेरे सामने करने हैं वो तो कॉपी पे होमवर्क था ना अभी ये सामने हो रहा है ये टेस्ट वर्क है आपका लेकिन अभी मैंने आपको अलाउ किया है कि अभी बेशक आप अपनी कॉपी से देख के लिख लें नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल ठीक है प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को शिपिंग भी मैं करने दूंगा तलहा आप लिख नहीं रहे कुछ बेटे क्वेश्चन शुरू करें ना आपके पास इसका मतलब है आपने उपर... होमवर्क सारे सर बस खाली क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बता दे कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन एक्सरसाइज फोर पॉइंट क्वेश्चन टू पार्ट वन हाँ इस तरह पूछा करें ना बेटे मुझे आप फौरन नजर आ जाते हैं कि आप वैसे ही बैठे रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट नहीं करना है लिखते नजर आएंगे मुझे जैद अशरफ आपका कैम्प बेटे फिर बंद है बंद क्यों कर लेते हैं बेटे मैंने जब आपको इजाजत दे दी है कि आप अपने पुराने काम से देख के बेशक लिख लें ठीक है और अगर जिसके पास वो काम भी नहीं है तो इसका मतलब है इट्स वेरी सैड कि आप पूरा वीक काम ही नहीं करते आपके पास कॉपी होनी चाहिए ना जिसपे काम हो अगर काम होगा तो वहां से आप देख सकते हैं ठीक है तो ये देख लें कैसे कैसे पता चल जाता है कि आपने पूरे वीक पढ़ रहे हैं कि वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि चलो ठीक है जी सर ने नोट्स तो भेजे हुए हैं वो आपके पास किस में फोल्डर में पड़े हुए हैं आपने कॉपी पे लाना है कॉपी पे काम को कॉपी पे लाना है ठीक है अहमद बिलाल अब कैमरा आपका फिर बंद कर दिया अहमद बिलाल कैमरा अनम्यूट रखें बेटे आ, बेशक देख के लिखें मगर अनम्यूट रखें सर खुला हुआ कैमरा हाँ ठीक है अब खुला है ना सर वो नेट का थोड़ा सा सर हो रहा अच्छा अच्छा ठीक है बेटे कोई बात नहीं लेकिन जो ही बंद हो फिर उसके बाद खोल दें उसको हाँ ये आप सीख रहे हैं आज और हर फ्राइडे को इस तरह से आपका काम मैं चेक किया करूंगा रिटर्न मेरे सामने लिखा करेंगे जो होमवर्क की कॉपीज हैं ठीक है वो साथ साथ प्रिपेयर करेंगे मैं इस तरह होमवर्क की कॉपीज भी चेक करूंगा कि एक एक पेज ऊपर आगे उल्टा के दिखाएं और ग्रिड व्यू होगा और जाहिर है इसकी वो वीडियो बन गई होगी तो हर एक का अलग अलग देखने का मुझे ज़रूरत भी नहीं मुझे मैं क्या करूंगा वीडियो बन गई फिर उसके बाद अलग से देखूंगा कि हाँ इस बच्चे का काम पूरा उस बच्चे का पूरा इसने पूरा कर लिया इसका कैम बंद हुआ उसने कॉपी की कहाँ से चीटिंग की सब पता चल जाएगा ठीक है ये आज आपकी एक ट्रेनिंग थी ट्रेनिंग सेशन था फ्राइडे का बस ये जहन में रखें इस तरह आप बिल्कुल प्रिपेयर होके आया करेंगे नेक्स्ट वीक जो भी हम एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे ना तो याद रखें कि कॉपियों पे करनी है अगर कॉपियों पे नहीं करेंगे तो आपको ऐसे पता चले मुझे कि आपने नहीं किया ऐसे पता चलेगा इस तरह फिर बैठे होंगे हो नहीं रहा होगा अच्छा अब्दुल राफे कौन सा क्वेश्चन आप कर चुके हैं थ्री आप कर रहे कम मैं सोच रहे ज्यादा है मुझे नजर आ रहा है ये सारे आप खुद भी अपनी वीडियो देख लोगे ये डायलॉग भी सुनोगे और आप देखेंगे कि वाकई फौरन पता चल जाता है कि बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बिल्कुल वीडियो में सेंड करूंगा बेटे आपको खुद पता चलेगा ऑनलाइन स्टडी भी बिल्कुल एक सही हो सकती है अभी जो नाइन्थ दूसरी थी ना फिजिक्स वाली उसको बिल्कुल मैंने ओरल इस तरह कैम ऑन करके जुबानी सुना है उनके भी वीडियो सेंड करूंगा उन्हें आपकी वीडियो भी आपको सेंड करूंगा ताकि आप देख लें कि हाँ काम करते हुए और काम ना करते हुए कितना फर्क होता है और किसका कैमरा कितनी देर बंद हुआ अगर वो आप कहते हैं ना कि जी सिग्नल वीक आ रहे हैं तो सिग्नल वीक आने पे भी वो देर तो नहीं कैमरा बंद होता हाँ कैमरा बफरिंग शो करता है यानी स्लो मोशन में चलता है अगर सिग्नल वीक हो तो बंद कभी भी नहीं होता अली भाट अहमद बिलाल ओपन कर लें कैमरा बेटे और ये नाम बार बार लेने से रिकॉर्डिंग में आ रहा है और उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे ना आपको खुद पता चलेगा आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि अली बेटे हाँ ऑन है लेकिन अली भट्ट का भी बंद है और थोड़ी देर बाद अली भट्ट कहेंगे मेरा तो ऑन है कैमरा हम्म अभी आप कर रहे हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर टू पार्ट वन थ्री पार्ट टू फोर पार्ट टू फाइव पार्ट टू का ठीक है फिर दोबारा से मैं ये आपको बुक दिखा देता हूँ जिसपे मैंने ये मार्किंग करके रखी है ये वाले क्वेश्चन आप कर रहे हैं ठीक है ये क्वेश्चन देख लें ये वाले आप कर रहे हैं ये क्वेश्चन ऑल राइट इस इस तरह अगर, इस तरह अगर स्टडी होती है ना बेटे इस तरह ये देखो रिटर्न लिखते नजर आएंगे तो इसे कहेंगे प्रैक्टिस हो रही है और अब अहमद बिलाल का कैसे पता चले मुझे कि प्रैक्टिस हो रही है अहमद बिलाल की कि नहीं कैम बंद किया हुआ है बेटे अहमद बिलाल हाँ अब खोला है तो इस तरह बेटे हर वक़्त इसे ऑन रखना चाहिए और एक बच्चा समर समर भाग ही गया समर किधर गया नजर आ रहा है इधर अभी तक कैमरा हाँ। ये समर नहीं नजर आ रहे चला गया समर नजर हम्म चलो इसके घर तो मैं रिपोर्ट करता हूँ ना कि भाई ये क्लास लेते लेते गायब किधर हो गया हम्म अच्छा अहमद बिलाल आपका कैमरा ऑन रहता है हम्म देखो आपको जब बोलता हूँ फिर आप ऑन करते हो क्या बात है क्योंकि आप आपका दिल नहीं कर रहा है लिखने को तो लिखने सर, में सर, लिखने सर, में थोड़ा हाँ क्या सर मैंने कब का ऑन किया है कैमरा ऑन तो ये मैं जब बोलता हूँ तो आप ऑन करते हैं नहीं नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटे इसमें अभी आप, आप वीडियो देख लोगे मेरे डायलॉग और आपके कैमरा बंद सर, होगा जब बंद हो जाए हाँ वो प्रूव हो जाएगा मोबाइल करते करते ना से बैक करते, सर, कैमरा बंद हो जाएगा। आ, बैक, बैक क्यों करते हैं आप बाकियों का तो नहीं बंद होता ये देखो अब्दुल राफे का बिल्कुल चल रहा है ठीक कबीर का सही चल रहा है जैन अब्स का ठीक चल रहा है तलहा का सही चल रहा है ईशा का सही चल रहा है जैद अशरफ का ठीक चल रहा है अली भट्ट का ठीक चल रहा है आप ही का बंद होता है सिर्फ तो बेटे ये लेम एक्सक्यूजेज नहीं चल सकते ना सब चीजें आप सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप जो कहते हैं ना सिग्नल वीक है ये है वो है फलाना है तो ये बाकियों का क्यों नहीं फिर सिग्नल वीक और वीडियो जब आप देखोगे आपको नजर आ जाएगा